वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और इतनी शकील गुफ्तगू के बाद अब हमने सोचा है कि अपने सेट का मूड थोड़ा लाइट किया जाए, थोड़ी अच्छी अच्छी डिस्कशन की जाए। और आज हमारे पास जो डिस्कशन के लिए हमें मेहमानों ने ज्वाइन किया है जनाब, हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर सादत अली साकिब जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और आज हम मदर लैंग्वेज डे पर बात करेंगे, जो मादरी जबान है उसकी अहमियत पर और इसके फरोग के लिए क्या इकदाम होने चाहिए उस पर हम वेलकम करेंगे डॉक्टर सादत अली साकिब साहब को। बहुत शुक्रिया सर आपके आने का। उसके साथ साथ जनाब थोड़ी सी कपड़ों की डिजाइनिंग की, आर्ट की, पेंटिंग की बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है नादिया नबील ने जो कि डिजाइनर भी हैं और पेंट आर्टिस्ट भी हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, नादिया के कपड़ों की सबसे स्पेशल बात यह है कि नादिया कपड़ों पे खुद पेंट करती हैं और इनके जो पेंटेड कपड़े हैं ये मुख्तलिफ एग्जीबिशंस में भी दिखा चुकी हैं और वो आज हम डेफिनेटली इनकी कलेक्शन भी देखेंगे और उनसे बात भी करेंगे। सबसे पहले तो मैं सर आपकी जानिब आऊंगी, मादरी जबान मदर लैंग्वेज इसके हवाले से आज दिन भी मनाया जा रहा है, क्या अहमियत होती है किसी भी इंटरनेशनली और हम अपने मुल्क की भी बात करें तो? देखें जी, जब से इंसान दुनिया में आया है उसने एक ज़ुबान उसके पास होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ की जो ज़ुबान है असल में वही ज़ुबान उसकी होती है और उसी को मादरी ज़ुबान कहा जाता है। बच्चा अपने घर में तरबियत पाता है, अल्फाज सीखता है। अब तो जो माहिर नफ्सियात हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि जब बच्चा 3 से 5 साल की उम्र तक जाता है तो वो 30 से 35 हज़ार लफ्ज़ सीख लेता है अपनी ज़ुबान के। जब इतने सारे अल्फाज सीख लेता है बच्चा तो फिर कदीम ज़मानों से ये भी सिलसिला चलता आ रहा है कि मुख्तलिफ कबाइल जो थे जब तलीम का सिलसिला शुरू हुआ इंसानों में तो उन्होंने अपनी ही ज़ुबानों में बच्चों को तलीम देना शुरू की थी। इस लिहाज से मैं ये कह सकता हूँ कि कदीम ज़माने के लोग हमसे आगे थे और हम उनसे पीछे चले गए हैं। तो उन्होंने अपनी मादरी ज़बानों में तलीम शुरू की ताकि बच्चा जो है वो इल्म का हुसूल आसानी से कर सकता है जब उसकी अपनी ज़ुबान में पढ़ाया जाए जो उसने बचपन में माँ बाप से सीखी हुई है। अच्छा, अब वो तलीम तो शुरू कर दी गई लेकिन आलमी इदारों ने भी आज जो दौर है इसमें आलमी इदारों ने जो रिपोर्ट्स दी हैं उन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बच्चों को उनकी मादरी ज़ुबान में ही तलीम देनी चाहिए। और मैंने अभी अर्ज़ किया कि माँ से बच्चा सीखता है फिर अपने बहन भाइयों से लफ्ज़ सीखता है तो वही लफ्ज़ वो स्कूल में जाकर जब बोलेगा, जब उसी ज़ुबान में उनकी तालीम होगी, बेशक वो साइंस की है, बेशक वो आर्ट्स की है, टेक्नोलॉजी की है, तो उस वक्त तो बच्चे को फ़ायदा होगा। अगर किसी दूसरी ज़ुबान उस पर अगर ठोंस दी जाएगी तो बच्चा जो उसको ज़ुबान को सीखने में लग जाएगा, अपनी तालीम की तरफ तवज्जो नहीं कर सकेगा। तो ज़रूरी है कि बच्चा अब तालीम को हासिल करे, इल्म हासिल करे। इल्म की बेशुमार शाखें हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, अब तो वो पॉलिटिकल साइंस भी है, आज की बहुत सारी नफ्सियात भी है, हम इस दौर पर आ गए हैं। तो बच्चा बहुत कुछ सीखना चाहता है लेकिन सिखाया उसे उसकी अपनी ज़ुबान में चाहिए। ठीक हो गया, ये एक असूल होता है। जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा जनाब नादिया, हम आपकी जानिब आएंगे। चूंकि आप एक आर्टिस्ट हैं, पेंट आर्टिस्ट भी हैं, कपड़े भी डिजाइन करती हैं, अपने करियर के हवाले से बताएं कब से शुरू हुआ? कब से शुरू हुआ? 16 ईयर्स बैक। 16 ईयर्स बैक, आगाज कैसे हुआ? मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्राफिक डिजाइनिंग में मास्टर्स किया हुआ है और फिर पेंटिंग को लेकिन मैंने मेन ले लिया, अपना एक सब्जेक्ट पकड़ लिया, उसको इंटीरियर के लिए बहुत पेंट किया, इंटीरियर्स के लिए बहुत इंटीरियर डिज़ाइन, वहाँ कमीशन जॉब्स की, डिफरेंट गैलरीज के साथ काम किया बहुत सारा। उसके बाद फिर कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि टेक्सटाइल की तरफ आओ, डिज़ाइंस ऐसे हैं कि मज़ा आएगा इस चीज़ को देखने में, ज़रा डिज़ाइन कर तो कपड़ों को की तरफ आ जाओ। उसको कोशिश की थोड़ी सी, वो स्टार्ट लिया उसको करके, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ फिर बहुत काम किया मैंने। अब नाम इस वक्त शायद बनाई नहीं लूंगी लेकिन किया बहुत काम, बहुत एक्सपीरियंस लिया। 2 ईयर्स बैक फिर शादी, अच्छा, बच्चे एंड फिर उसके बाद फिर ये था कि अब स्टार्ट करना था वापस। तो फिर उसके लिए दोस्तों ने ये कहा कि इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया, अब स्टार्ट लो, अब खुद करो इसको। फिर NN डिजाइन के नाम से 2 ईयर्स बैक हमने अपने ब्रांड को लॉन्च किया। Lovely. अब हम उसको, मैं अपने ही हैंड पेंटेड जो मेरी फाइल्स होती हैं, जो डिजाइन होते हैं, मैं उन्हें खुद प्रिंट करवाती हूँ। फैब्रिक चूज करते हैं हस्बैंड और मैं मिलके, प्रिंटिंग के लिए जा प्रिंटिंग में उन्होंने मेरा साथ देना होता है। फिर फेसबुक पे जो हमारा पेज है, माशाल्लाह कि योर हस्बैंड इज कोऑपरेटिव इन दैट वे, अल्हम्दुलिल्लाह। नबील के बगैर नहीं पॉसिबल, नहीं था कि मैं उनके बगैर जो है इस चीज को करती और आगे कर। आई थिंक मदर्स जो है वो रुक जाता है कि अब बिजी हो गई है अपनी वो लाइफ में, बच्चे और
लेकिन नहीं, कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा वर्किंग है ना कुछ रहना चाहिए। तो मैंने इस चीज को थोड़ा मोटिवेट नहीं किया, चलना है इसको, करना चाहिए। अच्छा नादिया, आप पेंट मतलब कपड़ों पे खुद भी करती हैं, आप जैसे पेंट भी कराती हैं, उसका एक्सपीरियंस कैसा है? कलर्स, क्योंकि कलर से खेलना और कलर्स प्ले करना, वो तो यहाँ बस कुछ होने लगता है, कुछ ना कुछ स्टार्ट कर लो, ये करना है, तो वो अंदर वो जब खुद से आपको आता है, आप जबरदस्ती तो करवा ही नहीं सकते इस चीज को, तो क्रिएट करने बैठती हूँ, फिर कुछ ना कुछ होता है, डिफरेंट चीजें। अगर आप अभी डिस्प्ले देखेंगी, अगर उनमें से उनको एक एक नजर है ना, वो चेक कीजिएगा, उसको आपको पता चल जाएगा। अच्छा नादिया, आपने एग्जीबिशंस भी किए काफी सारे, तो एग्जीबिशंस का रिस्पांस कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं 2 years बैक की बात करती हूँ, तब से अब तक का रिस्पांस, मैंने जो जो अपनी लॉन्च की है, जो जो मैंने अपना एक सीजन के अकॉर्डिंग जो हम निकालते हैं अपने उसको, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं उसके, इसलिए वो हिम्मत मिल जाती है कि अब आगे बढ़ो। अब चूंकि हैंड पेंटिंग चीजों का ट्रेंड भी ज्यादा आ गया, वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अब वो इतनी दौड़ आ गई ना ब्रांड्स की, ऐसा हो गया। हाँ। अब वहाँ स्पेसिफाई किस तरह करना है, वो यही कहती हूँ कि हाथ से बने हुए डिजाइन है मेरे, कंप्यूटराइज वो जाता तो है, लेकिन पहले फाइल हाथ से बनती है, देन हम प्रिंटिंग की तरफ लेके आते हैं। ये पेंटिंग बेस्ड इस वक्त डिजाइन जो मेरा ये पड़ा हुआ है, इसके पैनल्स हैं मेरे पास, कि वो पेंटिंग्स में मेरी रल्ली के जो पैनल्स बहुत फेमस पेंटिंग्स मेरी जो गैलरीज में जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने इसको ड्रेस को तैयार करा। लवली लवली लवली। नादिया सर भी हम डेमो भी लेंगे, नादिया हमें बताएंगी कि किस तरह से ये पेंट भी करती है। सर मैं दोबारा से आपकी जानिब आऊंगी। हम मादरी जबान की बात करते हैं, अगर हम अपने मुल्क में देखें तो किस तरह से इसकी मजीद प्रमोशन होनी चाहिए? हम हमेशा से आइडियलाइज या इंटरनेशनली भी देखा जाए, वो अपनी मदर लैंग्वेज को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। जी मैं अर्ज करता हूँ, जो हमारा ये मुश्तरका कदीम हिंदुस्तान है, इसमें एक मसला रहा है कि हमारी कभी अपनी हकूमत यहाँ पर कायम नहीं हो सकी। आप कदीम जमानों से भी देखें तो कबाइल में बटे हुए लोग थे, जब मुसलमान भी इधर आए तब भी ईरानी आ गए, उन्होंने आकर यहाँ हुकूमतें कायम की, ईरान के हुक्मरान रहे हैं, या तुर्की के थे जो मुसलमान हमारे बादशाह थे, उसके बाद मुग़ल आ गए, वो भी ज़ाहिर गैर मुल्की ही हुक्मरान थे, उन्होंने यहाँ पर फारसी जबान को नफ़्ज़ कर दिया, अब फारसी पढ़ना शुरू कर दी लोगों ने, फिर अंग्रेज़ आ गए, उन्होंने लाजमी बात है अपनी ज़ुबान यहाँ पर लगाना थी। अंग्रेज़ों ने हमारे साथ अलबत्ता ये किया कि अपनी ज़ुबान को इतना ज़्यादा यहाँ पर उन्होंने लागू कर दिया कि दूसरी ज़ुबानों को उन्हें तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन एक काम उन्होंने बहरहाल किया कि जब उन्होंने निसाब बनाए हैं तो वो अंग्रेज़ों ने ही ये बनाए हैं कि सिंध का सिंधी ज़ुबान में बनाया था उन्होंने और बंगाल का बंगाली में बनाया था। लेकिन एक उन्होंने धोखा किया, पता नहीं उनके जहन में क्या आई, कि पंजाब का पंजाबी में नहीं बनाया उन्होंने। इसकी वजह वो ये भी बताते हैं कि पंजाब पर उनका कब्जा हुआ था आखिर पर, 1757 में बंगाल पर कब्जा हो गया था और 90 साल के बाद यानी 1849 पर पंजाब पर कब्जा हुआ। तो वो चाह रहे थे कि पंजाब और ये जरखेज़ खिता था कि इस पर हम देर तक हुकूमत करें। तो देर तक हुकूमत करने का एक तरीका ये होता है इन हुकूमतों का कि वो ना उनकी ज़ुबान छीनते हैं, उनकी तहजीब छीन लेते हैं। जब ज़ुबान छिन जाती है तो कौम की तहजीब और सकाफत भी छिन जाती है। जब मसलन अगर हमारे बच्चे बचपन से तीसरी जमात में अगर हम अपने बच्चों को कीट्स और वर्ड्सवर्थ पढ़ाएंगे तो लाजमी बात है कि वो लंदन का माहौल उनके सामने आएगा। लेकिन अगर वो शाह लतीफ़ बिटाई को पढ़ेंगे, ख्वाजा गुलाम फरीद को पढ़ेंगे, बाबा फरीद गंजशकर पढ़ेंगे, बुल्ले शाह पढ़ेंगे, वारिस शाह रहमान बाबा पढ़ेंगे, तो वो अपने माहौल को पढ़ेंगे, अपनी तहजीब। बैलेंस रखना हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। हम अगर पढ़ाने पे आते हैं तो हम एक ही साइड को बहुत ज्यादा उनके लिटरेचर को पढ़ाना शुरू। जी असल में मसला ये है कि हम मुतासर हो जाते हैं जल्दी। ये गुलामी का एक लंबा अरसा गुजरा है, आज़ाद हुए हमें 70 साल कुछ ज्यादा नहीं होते, वैसे कौमें इंशाल्लाह बढ़ेंगी आगे। मौजूदा हुकूमत हमारी चाह भी रही है कि वो हमारा तालीम का रेशो शरे खानगी जो है उसको बढ़ाया जाए, और उसको बढ़ाने का वह तरीका यही है कि सूबे जो हैं हमारे 4 माशाल्लाह सूबे हैं, उन सूबों में उनकी मादरी जुबानों में निसाब तरतीब दिए जाएं। ये बात जरूर मैं करना चाहूंगा कि इंग्लिश इस वक्त इंटरनेशनल जुबान है और उर्दू भी हमारी कौमी जुबान है, उर्दू का निसाब भी साथ यानी उर्दू के किताबें साथ होनी चाहिए ताकि बच्चा उर्दू भी सीखे और इंग्लिश को भी सीख ले। दसवीं तक दूसरे मुल्कों में भी ये है, इंग्लिश अब इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है बहरहाल, तो हमें वो भी बच्चों को तालीम देनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा नादिया, दोबारा से आपकी जानिब आऊंगी। अब आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है हर तरह से, चाहे अब फॉर्मल वेयर है, कैजुअल है, हर तरह की चीजें। आपको क्या लगता है कि इस कंपटीशन में स्टैंड आउट करने के लिए किस तरह का काम मजीद दरकार होता है और नई से नई चीज लेकर आना? बिल्कुल, इसमें आपको कलर्स के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल कलर्स के साथ जो प्ले है, जो लोग लाइक करते हैं, चेंज कहाँ चाहिए होता है।
अब कलर्स देखते हैं, कलर कॉम्बिनेशंस के इसका उससे डिफरेंस क्या आया है इस ब्रांड का उस दूसरे ब्रांड से, फिर उसके बाद एम्बेलिशमेंट जो ऊपर वो एम्ब्रॉयडरी इतना इन हो गया, ठीक है मैंने जो कोशिश की पर्ल्स बीड्स वही है लेकिन उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करती हूं, जब वो देखते हैं लोग बना हुआ उस चीज को कहते हैं ये चीजें अवेलेबल है लेकिन तुमने मजे से लगा दी इसको यहाँ पे किया, कोशिश यही करती हूँ कि जो हो रहा है कंपटीशन बहुत है, नो डाउट। नादिया आपका डिस्प्ले कहाँ पर है ये भी मैं जानना चाहूंगी। मेरा वाबडा टाउन फेज 2 मेरी अपनी प्लेस पे है मेरा डिस्प्ले, अभी मैंने स्टूडियो वही बनाया हुआ है। ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है? अवेलेबल है बिल्कुल, फेसबुक पेज क्या है आपका? नादिया नबील -NN के नाम से। ओह लवली लवली, मेरा पेज है, आप लाइक कर सकती हैं, आप देख सकती हैं, आपको सारे डिजाइन वहाँ मिलेंगे। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा नादिया, इंस्पिरेशन के लिए भी कुछ ना कुछ कभी ना कभी हेल्प चाहिए होती है, कहाँ से आती है वो इंस्पिरेशन? नेचर। किस तरह से नेचर? इसको देखती हूँ डिफरेंट चीज़ों को उस तरह से चेक करना होता है। अब देखते हैं मैं फ्लावर्स, जैसे फ्लावर्स आ जाते हैं एग्जीबिशंस होती हैं तो मैं पहुँच जाती हूँ। अच्छा। कि फ्लावर्स बहुत खूबसूरत बहुत प्यारे लगते हैं। हाँ। अभी थोड़ा सा अगर डेमो दूंगी आपको वहीं पे, एक बंच हम ट्राई करते हैं अभी बनाएंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा नेचर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है नेचर। यस ठीक हो गया। अच्छा नादिया से हम डेमो भी लेंगे और सर से भी हम मजीद डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए जागो लाहौर।